हेलो यूट्यूबर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टास्क। आज के इस वीडियो में हम 10th का एक चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 5th बनता है और चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप हिंदी में समांतर श्रेणी कुछ ऐसा बोलते हैं और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AP भी बोल देते हैं। तो आपके पास इसकी हम 5.2 करेंगे और इसमें ध्यान रखना हम आपको सारे NCERT क्वेश्चंस करवाएंगे सिंगल सिंगल। तो ये देखिए हम कर रहे हैं, इसमें 5.2 है, ये उसका सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, जो फॉर्मूला है वो है AN = A+N-1 × D। अब यहाँ पे AN का मतलब हुआ कि nth टर्म तक अगर आपको कोई चीज़ निकालनी है, मतलब चीज़ मतलब AP निकालनी है, और A होगा जो वो आपकी फर्स्ट टर्म होगी। अभी क्वेश्चन करवाऊँगी तो आपको मैं बता दूँगी, और D होता है आपके पास जो डिफरेंस होगा वो। जैसे कि अब आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 30th टर्म ऑफ द AP की जो दे रखी है 10, 7, 4 up to 100, तो आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है भी इसका आंसर है क्या। तो सबसे पहले तो आप AP लिख लेंगे। AP क्या है? 10, 7, 4 up to 100। तो यहाँ से पहले निकालेंगे A की वैल्यू। A क्या होता है? जो आपके पास फर्स्ट टर्म होगी वो A हो गया, A आ गया 10। डी कैसे निकालोगे आप? 7 में से 10 माइनस कर दो, मतलब ये A1 है, ये A2 है, A2 में से A1 माइनस करेंगे, 7 माइनस 10, ये आपके पास आ गया -3। ठीक है, इतना निकालने के बाद, ए और डी निकालने के बाद आपको निकालनी है AN की वैल्यू, मतलब AN होगा। अब यहाँ पे पहले पता होना चाहिए N क्या है। N दे रखा है 30th टर्म। अब AN का फॉर्मूला होगा आपके पास A+N-1 × D। N की वैल्यू 30 है तो यहाँ पे 30 डाल देंगे। A की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 10, और N फिर से 30 -1, और D जो कि हमने निकाला वो निकल के आया -3 यहाँ पे लिख लेंगे। अब 10 + 30 में से एक माइनस कर देंगे, 29 आ जाएगा, गुना -3, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। 10 + -3 हो जाएगा, 29 को 3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपके पास आता है 87। ठीक है, 87 आ गया। अब आप आंसर निकाले डायरेक्ट, 87 में से 10 माइनस कर देंगे, 77 आ जाएगा, और वो माइनस का आएगा क्योंकि 87 बड़ी वैल्यू है। इसके बाद ऐसा ही एक और क्वेश्चन, वो आप खुद ट्राई करेंगे, सेम ऐसा ही होगा। वो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखिए, एक AP दे रखी है -3 -1/2 2 up to 100, और इसके अंदर 11th टर्म दे रखी है, मतलब ये वैल्यू होगी N की। यहाँ से आप A और D खुद निकाल लेंगे, और ये आप अपने आप से करेंगे, और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।